बॉलीवुड एक्टर्स में इस बात को लेकर रेस लगी रहती है कि अगर उनकी फिल्म रिलीज हुई सिनेमाघरों में और उस फिल्म ने पहले दिन कितना कलेक्शन किया और इस कलेक्शन से उन स्टार्स का स्टारडम तय होता है और इस रेस में जो है बहुत सारे स्टार्स लगे रहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्यों शाहरुख खान की फिल्म पठान को पटकनी दे रहा है जवान। इसके अलावा बॉलीवुड की वो कौन सी बड़ी फिल्में हैं जिन्होंने पहले दिन ताबड़तोड़ कमाई की। बॉलीवुड की ऐसी 10 फिल्मों की बात करेंगे इस रिपोर्ट में जिन्होंने अपने पहले दिन की कमाई से सबको चौंका दिया। इस लिस्ट में बॉलीवुड के कौन कौन से एक्टर शामिल हैं ये भी हम आपको बताएंगे और कौन वो एक्टर है जो बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन की कमाई के मामले में अव्वल नंबर पर है। पठान 55 करोड़। बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म है पठान और रिलीज के पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड भी शाहरुख खान की इसी फिल्म के नाम है। 26 जनवरी 2023 को रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन 55 करोड़ की कमाई की थी। देखा जाए तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पठान अब तक की सबसे बड़ी फिल्म है और इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर टोटल 525 करोड़ की कमाई की है जबकि वर्ल्ड वाइड इसने 1000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। KGF 2 54 करोड़। पठान के रिलीज से पहले KGF 2 के हिंदी वर्जन के नाम था डे वन पर सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड। इस फिल्म ने पहले दिन करीब 55 करोड़ की कमाई की थी। कन्नड़ स्टार यश की KGF चैप्टर 2 ने इंडिया में 435 करोड़ कमाए और वर्ल्ड वाइड इसका कलेक्शन 1215 करोड़ का रहा। वॉर 53.35 करोड़। साल 2019 में 2 अक्टूबर के दिन रिलीज हुई थी ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर। इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 53.35 करोड़ का बिजनेस किया था और ये साल 2019 की सबसे बड़ी फिल्म थी। इस फिल्म ने 303 करोड़ की कमाई इंडियन बॉक्स ऑफिस पर की थी। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 50.75 करोड़। आमिर खान की मूवी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को भी बम्पर ओपनिंग मिली थी। 8 नवंबर 2018 को दिवाली के वक्त रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन 50.75 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म को इतने खराब रिव्यू मिले थे कि रिलीज के दूसरे दिन ही फिल्म धराशायी हो गई थी और इस फिल्म ने केवल 145 करोड़ का बिजनेस किया और मेकर्स को करोड़ों का घाटा हुआ था। भारत 42.3 करोड़। सलमान खान की हर फिल्म पहले दिन धमाल कर जाती है। ऐसे में जब भारत रिलीज हुई तो फैंस को लगा कि सलमान ने पता नहीं क्या बवाल बनाया है। करोड़ों लोग ये फिल्म देखने पहले दिन थिएटर पहुंचे। ऐसे में फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन शानदार रहा। इस फिल्म ने पहले दिन 42.3 करोड़ जुटाए थे लेकिन फिल्म थिएटर्स में ज्यादा टिक नहीं पाई और इसका इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 200 करोड़ तक ही सिमट कर रह गया। हैप्पी न्यू ईयर 42.62 करोड़। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर साल 2014 में रिलीज हुई थी। दिवाली के वक्त रिलीज हुई इस फिल्म को बम्पर ओपनिंग मिली थी। हैप्पी न्यू ईयर ने पहले दिन 42.62 करोड़ कमाए थे और इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 200 करोड़ से ज्यादा रहा। बाहुबली 2 41 करोड़। बाहुबली 2 के हिंदी वर्जन ने भी पहले दिन ताबड़तोड़ कमाई की थी। प्रभास की इस फिल्म ने ढेरों रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। पहले दिन फिल्म ने 41 करोड़ की कमाई की थी और इंडिया में इसका टोटल कलेक्शन 510 करोड़ रहा। वहीं वर्ल्ड वाइड कमाई के मामले में ये मूवी 1788 करोड़ तक पहुंच गई थी और इस फिल्म ने दुनिया भर में कमाल कर दिया था। प्रेम रतन धन पायो 40.35 करोड़। सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो ने भी रिलीज के पहले दिन धुआंधार बिजनेस किया। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 40.35 करोड़ बटोरे। वहीं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसका टोटल कलेक्शन 210 करोड़ रहा जबकि वर्ल्ड वाइड मूवी ने 406 करोड़ कमाए। गदर 2 40 करोड़। सनी देओल की फिल्म गदर 2 बॉलीवुड की दूसरी ऐसी फिल्म बनने जा रही है जो 500 करोड़ में एंट्री लेगी। 22वें दिन तक इस मूवी ने 487 करोड़ कमा लिए हैं। वहीं गदर 2 ने पहले दिन 40 करोड़ की कमाई की थी।
संजू 34 करोड़। रणवीर कपूर की फिल्म संजू भी ब्लॉकबस्टर रही थी। इस फिल्म के लिए रणवीर ने पूरे दिल से मेहनत की थी और संजय दत्त की जीवन पर आधारित इस फिल्म की ओपनिंग बेहद सॉलिड हुई थी। मूवी ने पहले दिन 34 करोड़ की कमाई की थी। वहीं इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 342 करोड़ तक रहा था। तो देखा आपने, क्यों लगी रहती हैं बॉलीवुड एक्टर्स के बीच डे वन के कलेक्शन को लेकर इतनी बड़ी रेस। इस डे वन के कलेक्शन को देखते हुए लोग जानबूझकर अपनी फिल्में ऐसे दिनों में रिलीज करते हैं जब छुट्टियां हों, साथ ही आने वाले दिनों में भी 3-4 दिन छुट्टियां पड़ रही हों ताकि उनकी फिल्मों का कलेक्शन और शानदार रहे। कई बार कोई स्पेशल हॉलिडे होता है तो दो एक्टर्स के बीच ठन जाती हैं और दोनों ही एक्टर्स अब उसी दिन अपनी फिल्म रिलीज़ करते हैं, जैसे कि गदर 2 और OMG 2 के साथ हुआ था। और आपने देखा कि अगर OMG 2 रिलीज़ नहीं हुई होती तो गदर 2 का डे वन का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो और ज़्यादा होता। तो कई बार एक्टर्स एक बड़े इवेंट पर अपनी फिल्में रिलीज़ करना चाहते हैं, बड़े त्यौहार पर अपनी फिल्में रिलीज़ करना चाहते हैं और अपने डे वन के कलेक्शन से दूसरों को चौंकाना चाहते हैं। डे वन के कलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फिल्म चले और इससे उनका स्टारडम तय होता है और इसी वजह से बॉलीवुड एक्टर्स के बीच त्यौहारों को लेकर बहुत ज़्यादा मारामारी रहती है।